हेलो व्यूअर्स, तो आज हम फिर से आपको लीव्स के ऊपर एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। आप हमें ईमेल के द्वारा अपनी जो है प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकें, साथ साथ प्रॉब्लम के बारे में बता ही रहे हैं आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और आप ड्रॉ करके कैसे लीव्स को कर सकते हैं वो भी हम बता रहे हैं, और साथ साथ में फ्लावर्स के जो है आप हल्के फुल्के से प्रिंट या हल्के फुल्के स्टॉक से आप कैसे आप उनको सूट्स के ऊपर या आप फैब्रिक के ऊपर या आप कैनवस के ऊपर किस तरह से बनाएं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं लीव्स एक मैंने यहाँ पे लीव का पैटर्न ड्रॉ कर रखा है, आप देखें। तो मैं पैटर्न के अंदर सिर्फ कलर करके छोड़ रहा हूँ ताकि मैं उसका सेकंड स्टेप आपको दिखा सकूँ। तो अभी मैं सिर्फ इसमें कलर डाल रहा हूँ ताकि आप जो है इसका सेकेंड स्टेप देखेंगे किस तरह से इसमें मैंने और चीज़ें ऐड की हैं। मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ लेमन येलो और ऑरेंज। आप देखें मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये काफ़ी वेट रहे, और फिर मैं इसमें धीरे धीरे इफेक्ट डालता रहूँगा। तो आप साथ साथ देखते भी जाना कि अगर वेट के ऊपर भी आप करते जाएंगे साथ साथ तो किस तरह के इफेक्ट आपको मिलेंगे। अभी मैं इसके ऊपर सिर्फ कलर लगा के छोड़ दिया, साथ साथ मैं आपको दिखाता जाऊँगा इसमें भी करके, और साथ साथ आप फ्लावर का भी जो है पैटर्न देखें कि कैसे हम फ्लावर्स को जो है बिना ड्रॉ किए किस तरह से बनाएंगे। मेरे स्टूडेंट्स भी खुद मेरे से बहुत ज़्यादा यही बात कहते हैं कि हमसे नहीं बनते सर, आप बना लेते हो लेकिन हमसे नहीं बनते। लेकिन बात यही है कि प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से हम जब एक लीफ को हमने सिर्फ कलर लगा के छोड़ दिया और फिर साथ में हम वेट सेक्शन करेंगे और साथ साथ इसको कंप्लीट भी करेंगे। अभी हम जो है आपको दिखाने जा रहे हैं फ्लावर के जो है ब्रश। मैं फ्लैट नंबर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 नंबर फ्लैट है मेरे पास, बिल्कुल सिंपल फ्लावर। और देखिए मैंने ब्रश को आप मूव कराते वक्त ध्यान दें कि आप क्या बना रहे हैं, ये सोच आपकी होनी चाहिए साथ साथ। और ब्रश की मूवमेंट मैंने कलर यूज़ किया इसमें येलो, और आप देख रहे हैं मैंने ऑरेंज भी यूज़ किया, स्मॉल ऑरेंज, बहुत सारा छोटा सा उसका मैंने पार्ट लिया। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ उस पार्ट को, और थोड़ा सा क्रिमसन का भी मैंने टच लिया, और मैं इसको बीच बीच में यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैं क्रिमसन पार्ट को थोड़ा सा बीच में यूज़ किया, और यहाँ पर फिर मैं येलो का टच ले रहा हूँ, और क्योंकि ऑलरेडी उसमें कलर क्रिमसन भी है और ऑरेंज भी है। तो हम अब जो है आप देखें मैंने यहाँ पर 3-4 बार मूव किया और फ्लावर की शेप आपको मिल गई है। और अब मैं फिर से येलो का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पास अंदर की साइड जो है वो काफ़ी डार्क कलर है और मैं बाहर उसमें लाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। आप देखें, और मैं इसके नीचे एक छोटी स्मॉल आप इसी से ही ऐड कर सकते हैं लीव भी, और इस तरह से आप देखिए एक फ्लावर जो है हार्डी 30-40 सेकेंड में आपको कंप्लीट किया हमने। ये ऐसे फ्लावर्स आप जो है अपने टॉप्स के ऊपर, बेडशीट्स के ऊपर, टी शर्ट्स के ऊपर, कहीं भी आप चाहें तो बना सकते हैं। अब साथ साथ हम क्योंकि हमने लीव के ऊपर कलर लगा रखा है तो साथ साथ हम उस पर भी काम करेंगे। और मैं अब डार्क कलर का यूज़ कर रहा हूँ और सभी जगह आप इस तरह की लीव्स को जो है टावल के ऊपर, बेडशीट्स के ऊपर, या फिर आप पेंटिंग में भी यूज़ करते हैं कैनवस के ऊपर। तो हम आपको कैनवस के ऊपर कैसे ऑयल कलर में इसके इफ़ेक्ट आते हैं वो भी दिखाएंगे। आप देखें मैंने सिर्फ
कलर के मूव लगा दिए हैं डार्क सेक्शन के।